हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं मेरे एक पिछले वीडियो हिंदी में लाया था। पहले ही माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा गला 2 दिन से बहुत ख़राब है, तो इसलिए वॉइस थोड़ा अलग आ सकता है। तो दोस्तों, मैं मेरा पिछले वीडियो में हिंदी में एक वीडियो डाला था, तो ये स्पेशली मेरे उन दोस्तों के लिए है जिन दोस्तों को बंगाली बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो मेरे जो बंगाली दोस्त है वो तो हिंदी समझ जाते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा जो नॉन बंगाली दोस्त है वो बंगाली बहुत सारे दोस्त है जो समझ में बिल्कुल नहीं पाता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली आज से अभी से मैं हिंदी में ही वीडियो लाने वाला हूँ। गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, तो मेरे जो फैमिली है, आप लोगों के जो प्यार है मेरे लिए, तो वो ज़रा बढ़ा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डीजे रिलेटेड, साउंड सिस्टम रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो गाइस, आज मैं एक स्पीकर की रिव्यू करने वाला हूँ जो कि है पी ऑडियो की तरफ से आता है। 1000 वाट का स्पीकर 18 इंच में आने वाला है, तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर है। तो ये स्पीकर मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि ये नया स्पीकर है, तो पुराना स्पीकर तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाया था, बेस में जो मैं यूज़ करता हूँ बेस के लिए 1000 वाट, 1000 वाट पी ऑडियो की तरफ से आता है 18 इंच में। तो अभी मैंने न्यू 2 लिया है और उन्हीं में से एक को मैं रिव्यू करने वाला हूँ आज, उसका डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो में बने रहे, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा स्पीकर, आप लोग देख सकते हैं 1000 वाट का स्पीकर है ये 18 इंच में। इसका जो आप डस्ट कैप देख रहे हैं तो बहुत ही सॉलिड है, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं इसका। और ये जो पेपर कॉर्न देख सकते हैं आप सफ़ेद कलर के, तो ये भी बहुत ही हैवी है और बहुत ही मजबूत है। तो भाई, पीओडी का तो अलग ही एक नेशा है जो भी भाई साउंड सिस्टम का बिजनेस करता है। तो चलिए अभी पीछे का बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत ही हैवी है भाई, लगभग 15 से 16 किलो तो हो ही जाएगा एक स्पीकर। तो आप देख सकते हैं पीछे का फिनिशिंग कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से कवर अप किया है, और इसका जो मैग्नेट के ऊपर जो मेटल का सॉलिड प्लास्टर है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो स्पीकर के मिडिल में आप जो स्पॉन्ज देख रहे हैं वो ये जो डस्ट होता है वो कवर करने के लिए, ताकि वो स्पीकर के अंदर नहीं जा सकते। तो 1000 वाट का 8 ओम्स का स्पीकर है ये, लिखा हुआ है मिडिल में पी ऑडियो का सैंपल दिया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल लाउड स्पीकर मेड इन थाईलैंड। तो
बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्पीकर है। मैं 2 साल से इसका पुराना मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, फिलहाल की सेमी मॉडल है। आप सुन सकते हैं इसका आवाज़ बहुत ही हैवी क्वालिटी है। तो फिनिशिंग आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने फिनिशिंग दिया है। फिनिशिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए टर्मिनल के पास ले चलता हूँ। देख सकते हैं ये दो टर्मिनल है, प्लस और माइनस यहाँ पे सैम्पल दिया हुआ है। तो मिडिल में पी ऑडियो का सैम्पल है, लॉक भी बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है ताकि कोई वायर अगर मैं घुसाऊँ इसमें तो वो निकले ना। तो ओवरऑल लुक इसका बहुत अच्छा है। तो सामने का आप देख सकते हैं, ये जो भाई मिडिल का जो डेस्कअप दिया हुआ है ना, जो कैल का डेस्कअप है मिडिल में, तो वो भाई साहब बहुत ही अच्छे दिया हुआ है। पेपर कोन भी बहुत सॉलिड है। अब देख सकते हैं डेस्कअप इतना बड़ा है कि मैं मेरा पूरा हाथ उस पर रख रहा हूँ, और मेरा पूरा पंजा, हाथों का पंजा पूरा भी कम पड़ रहा है इसके इससे। तो ये जो ऊंच नीच जो लेयर आप देख सकते हैं, ये ही इसका सॉलिड बनाता है, और इससे पता चलता है कितना हैवी है। बॉर्डर भी बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग दिया हुआ है इसका। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसका स्पाइडर और इसका वायर दिखाता हूँ टर्मिनल्स का। तो देख सकते हैं यहाँ पे कवर अप दिया हुआ है इसका टर्मिनल का वायर, जो स्पीकर के कॉइल से होकर टर्मिनल में आता है। और बीच में जो आप स्पाइडर देख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग दिया हुआ है स्पाइडर का। तो ओवरऑल स्पीकर का लुक, स्पीकर का पंच, तो मैंने आपको बताया था कि मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा पंच देता है भाई साहब। और मैं इस स्पीकर का भी आपका साउंड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो वीडियो पसंद आ जाता है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा स्पीकर का रिव्यू, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके